और हमारा तिरंगा फहरा उठा। भारतवासियों, मैं आपको आज के स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई देना चाहता हूं। कन्याकुमारी से लेके कारोक्रम तक, कच्छ से लेके अरुणाचल के पूर्वी कोने तक, और जो सब हिंदुस्तानी भारत के बाहर दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में, उनको मैं शुभकामनाएं आज के दिन के लिए देना चाहता हूं। 42 साल हुए, भारत आजाद हुआ था, और यहीं पर इसी लाल किले पर पंडित जी ने हमारा तिरंगा झंडा पहली बार आजाद भारत में लहराया। आज भी उसी तरह से जब झंडा लहराया तो एक तरह से मुझे लगा कि मेरे हाथ इस झंडे को नहीं खोल रहे थे, बल्कि इन मेरे हाथ के साथ भारत के 80 करोड़ लोगों के हाथ जुटे हुए थे, क्योंकि ये झंडा एक खास झंडा है। इसी तिरंगे के नीचे हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसी तिरंगे के नीचे देश को हमने मजबूत बनाया है, आज़ाद रखा है, देश को आगे बढ़ाया है। जब हम स्वतंत्रता दिवस पर इस झंडे को लहराते हैं तो ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे हर भारत हर हिंदुस्तानी के आज़ादी का प्रतीक है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, लाखों जिनका नाम भी इतिहास में दब गया है, छिप गया है, जो हमें मालूम नहीं, हजारों जिनकी कुर्बानियां इतिहास में खो गई हैं, जो आज भी हमारे सामने नहीं। साथ में हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज हमारे बीच हैं। जब भी हम आज़ाद भारत का सोचते हैं तो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी सामने दिखाई देने चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत बड़ा संघर्ष किया, तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हमारा खास ध्यान गांधी जी के तरफ, पंडित जी के तरफ, शास्त्री जी के तरफ और इंदिरा जी के तरफ जाता है। गांधी जी ने
हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक नया रास्ता दिखाया था। पंडित जी ने उस आज़ादी को विकास में, एक राष्ट्र बनाने में घुमाया, एक नए रास्ते पर चलाया। शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता बचाने के लिए। आज हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था, ये खास क्रांतिकारी आंदोलन था। ऐसे आंदोलन खाली दो तीन पहले आए हैं, एक अमेरिका का था, एक फ्रांस का था और एक रूस का था। उसके बाद भारत का ही क्रांतिकारी आंदोलन दुनिया में आया। लेकिन जहां पहले तीन क्रांतिकारी आंदोलनों में एक हिंसा की धारा चलती थी, भारत ने गांधी जी के नेतृत्व में एक नया रास्ता दिखाया। जब भारत गुलाम था तो उस गुलामी के धुंध के बीच में से गांधी जी ने हमारी विरासत की एक धारा निकाली। उस धारा पर चलते हुए उन्होंने हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रास्ता वापस दिया हमें, और उस सिद्धांतिक रास्ते पर भारत मजबूत हुआ। उसी सिद्धांतों के रास्ते पर हमने आज़ादी जीती और उन्हीं सिद्धांतों पर हम मजबूत हो पाए हैं, हम आज़ाद रह पाए हैं। लेकिन ये क्या सिद्धांत थे जो गांधी जी ने हमें दिखलाए? नए नहीं थे, हमारे इतिहास में से, हमारी संस्कृति में से उन्होंने निकाले थे, हमें दोबारा दिए थे। सबसे ऊपर तो अहिंसा थी, लेकिन जब गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, उनके मन में अहिंसा के माने एक बहुत ज़्यादा बड़ा माना होता था। उनके मन में अहिंसा खाली हिंसा नहीं थी, बल्कि अहिंसा के माने ये था कि दिल में हिंसा की भावना भी नहीं होनी चाहिए जो हमें दबानी पड़े। उन्होंने हमें अहिंसा के रास्ते पर चलाया, सत्य के रास्ते पर चलाया, उन्होंने सहनशीलता और करुणा के रास्ते पर हमें चलाया, और उन्होंने हमें सिखलाया कि भारत के इतिहास में, भारत के विरासत में साफ दिखलाया हुआ है और एक तस्वीर सामने आती है, वो ये है कि मानवता एक है। चाहे हम किसी धर्म के हों, किसी प्रांत के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, या हमारे कोई किसी भी रंग के हों, इन कुछ चंद सिद्धांतों पर गांधी जी ने हमें ताकत दी। इन्हीं सिद्धांतों से ताकत मिली, इन्हीं सिद्धांतों से आज़ादी मिली, और इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर हम आज़ाद रह पाए हैं। साथ में गांधी जी ने एक और सबक हमें सिखाया था कि अगर भारत में विकास होना है, अगर भारत में सचमुच में लोगों के हाथ में आज़ादी आनी है, भारत के लोगों को पूरी तरह से आज़ाद होना है, तो वो आज़ादी, वो विकास भारत के गांव से, भारत के देहात से शुरू होना होगा। खाली तब हम सचमुच में कह सकते कि हम आज़ाद हैं। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ ऐसी समायदार शक्तियां थी जिन्होंने
उनको भी ये काम पूरा नहीं करने दिया, उनके हाथ भी बंधे रह गए और हमारा विकास का काम असलियत में गांव से उस वक्त शुरू नहीं हुआ। पूरा देश गांधी जी को अपने दिल से प्यार करता था, एक ऐसा संबंध था भारत की जनता और गांधी जी के बीच में, इतना गहरा संबंध था, इतने मजबूत संबंध था कि उसके बारे में कुछ शब्द कहने बड़े मुश्किल हैं। लेकिन तब भी कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या हुई सांप्रदायिकता की शक्तियों से। हमें ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि सांप्रदायिक शक्तियों ने गांधी जी की हत्या करी, लेकिन उनका मकसद खाली गांधी जी की हत्या नहीं थी, उनका मकसद था कि नया आजाद भारत अपने पैरों पर खड़े होने के पहले ठोकर खा जाए, गिर जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने भारत को ऐसी ताकत दी थी, ऐसी शक्ति दी थी कि भारत कभी नीचे नहीं गिर सकता। गांधी जी की हत्या के बाद पंडित जी ने भारत को विकास के रास्ते पर, राष्ट्र बनाने के रास्ते पर चलाया, दुनिया में भारत की जगह बनाने के रास्ते पर चलाया। इसी लाल किले से पंडित जी ने बहुत बार भारत के लोगों को से बात करी। आज़ादी के दिन पर पंडित जी ने हमें याद दिलाया था कि कैसे कांग्रेस ने बहुत साल हुए मुकद्दर से मुलाकात का एक वायदा किया था और आज़ादी मिलने पर 42 साल हुए उस वायदे को पूरे करने का मौका मिला। अगर आज पंडित जी हमारे साथ होते तो वो देखते किस तरह से उस नींव पर, जिस नींव को पंडित जी ने डाला था उस पर आज भारत बना है। मुझे यकीन है कि पंडित जी के दिल में गौरव भर जाता आज के भारत को देखकर। ये पंडित जी का शताब्दी का साल है, अगर वो इस 42 साल का विकास देखते, अगर उन्हें मौका मिलता, वो हमारे किसानों को देखते, हमारे खेत मजदूरों को देखते, हमारे मजदूरों को देखते, भारत की महिलाओं को देखते, भारत के बच्चों को देखते, हमारे वैज्ञानिकों को देखते, हमारे युवकों को देखते, हमारे फौज को देखते, हमारे उद्योगों को देखते, हमारे विकास को देखते, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत खुश होते, गौरव से वो भारत को देखते। लेकिन तब भी कुछ कमजोरियां भी उन्हें दिखाई देती। उन्हें ये भी दिखता कि जहां पर बहुत विकास हुआ है, जहां पर तरक्की हुई है, वहां पे कुछ कमजोरियां भी रह गई हैं और काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित जी ने इसी लाल किले से हमें याद दिलाया था गांधी जी के उन शब्दों का कि जब तक भारत के हर व्यक्ति के आंसू हम नहीं पहुंच सकेंगे, तब तक हम आराम नहीं कर सकेंगे। आज भी हर आंसू को हम पहुंच नहीं पाए हैं, आज भी आराम का समय नहीं है, बहुत काम करना है, बहुत संघर्ष है,
बहुत कुर्बानियों की जरूरत है। पंडित जी बहुत चाहते थे कि गांधी जी का ग्राम स्वराज पूरा हो। यही करने के लिए पंडित जी ने पंचायती राज शुरू किया था, लेकिन जो काम पंडित जी ने शुरू किया पंचायती राज में, जो रास्ता पंडित जी ने दिखाया था, वो रास्ता हम पूरा नहीं कर पाए। हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि बीच में जो सत्ता के दलाल घुस गए थे, उन्होंने पंचायती राज को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने देखा कि उनके हाथ से शक्ति निकलकर भारत के लोगों के हाथ में शक्ति नहीं पहुंचे। पंडित जी पंचायती राज लाने के बाद ज्यादा साल नहीं जिए, नहीं तो वो भी इस दलाली का पूरा मुकाबला करते और पूरे तरह से भारत के जनता के हाथ में वो शक्ति देते जो गांधी जी ने अंग्रेजों के हाथ से छीनी थी भारत के जनता के हाथ में देने के लिए। इंदिरा जी ने अपना पूरा जीवन भारत के गरीब, भारत के कमजोर वर्गों के लिए लगा दिया। उनका हर काम भारत के पिछड़े हुए, दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने में लगा। उन्होंने शुरुआत करी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, जिसमें पूंजी भारत के लोगों के हाथ में पहुंचे। आज तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है जब हम बैंकों के कार्यक्रमों की बात करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 20 साल हुए जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो भारत के देहात में, भारत के गांवों में करीब करीब कोई भी बैंक की ब्रांच नहीं थी। गरीबों को इस पूंजी का फायदा नहीं मिल रहा था, उनको मदद नहीं मिल रही थी। आजाद भारत में भी धन अमीरों के हाथ में से ही निकल रहा था, अमीरों के हाथ में ही जा रहा था। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ये बदला। उन्होंने देश का धन भारत के गरीबों के काम में लगाया, भारत की गरीबी हटाने में लगाया, भारत के गरीबों को ऊपर उठाने में लगाया। इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम से पहली बार भारत में गरीबी कम होने लगी। पहली बार हमने देखा कि बड़े बड़े कामों का, बड़ी बड़ी योजनाओं का फायदा गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचने लगा है। इंदिरा जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया समायदार शक्तियों की लड़ाई में, उनका सामना करने में, उन्हें खत्म करने में। अगर कोई चीज इंदिरा जी के दिल में गरीबी हटाने से ऊंची थी, तो वो भारत की एकता और अखंडता थी, भारत की आजादी थी। इंदिरा जी ने कोई ऐसा कदम नहीं किया, कोई ऐसा कदम छोड़ा नहीं जिससे भारत मजबूत हो। उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई भी ऐसी शक्ति को मौका मिला भारत कमजोर करने वाली शक्तियों को ऊपर उठने का। लेकिन इंदिरा जी को भी फिर प्रापस्ती के ताकतों के सामने अपना बलिदान देना पड़ा। दोबारा एक कोशिश हुई थी भारत को तोड़ने की,
जिस तरह से गांधी जी के हत्या के साथ एक कोशिश थी कि हमारा भारत टूट जाए, उसी तरह से इंदिरा जी के हत्या के साथ एक कोशिश थी कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। मुझे याद है 4.5 साल हुए जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो कैसे नाजुक जमाने में से भारत निकल रहा था, कैसे मुश्किल दिनों में से, कैसे अंधेरे बादल छा रहे थे पूरे देश पर, देश के कोने कोने में ऐसे आंदोलन चल रहे थे जो देश को तोड़ने में लगे थे। शायद पहली बार गांधी जी के हत्या के बाद ऐसे संकट का सामना भारत को करना पड़ा। पंजाब में देश तोड़ने का एक आंदोलन चल रहा था, त्रिपुरा में, मिजोरम में, आसाम में, दार्जिलिंग के पहाड़ों में कुछ चीज़ें बातें उठ रही थी, दक्षिण में श्रीलंका में जो हो रहा था उसके वजह से हमारे देश में भी कुछ कमजोरियां दिखाई दे रही थी, दिल्ली में जो हो रहा था, जैसा आतंक चल रहा था वैसा शायद कभी पहले नहीं हुआ है। अगर कोई भारत की तस्वीर उन दिनों में देखता तो बड़ा मुश्किल होता यकीन करना कि भारत भी उस नाजुक समय का पार कर सकता। लेकिन आज वो सब हमारे पीछे है। उस नवंबर में मैंने अपने सामने एक ही काम देखा था, किसी तरह से भारत को इस अंधेरे में से निकालकर दोबारा गांधी जी के, पंडित जी के, इंदिरा जी के रास्ते पर चलाना, गांधी जी के, इंदिरा जी के सपनों को पूरा करना, भारत के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए। इंदिरा जी के हथियारों की कोशिश थी कि भारत टूट जाए, ये साजिश हमारे देश में पैदा नहीं हुई थी बल्कि विदेश में पैदा हुई थी और हमारे ऊपर डाली गई थी। इस साजिश की कोशिश थी कि भारत खत्म कर दिया जाए, भारत तोड़ दिया जाए। इंदिरा जी की हत्या एक पहला कदम था इसमें। देशद्रोहियों ने इंदिरा जी को तो भारत के लोगों से ले लिया, उन्होंने, देशद्रोहियों ने मेरी मां मुझसे छीन ली, लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें देश हमसे नहीं छीनने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे, और चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो, वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे, लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे, भारत को हम टूटने नहीं देंगे। अगर इंदिरा जी ने, अगर मेरी मां ने मुझे कुछ सिखाया तो मुझे ये सिखाया था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी कम नहीं है। चाहे कैसी भी कुर्बानी का सामना करना पड़े, चाहे कैसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जान देना पड़े, देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी हाजिर है। आगे वो ही संघर्ष चलाना है
जो गांधी जी ने, पंडित जी ने, इंदिरा जी ने चलाया था, वो ही आंदोलन चलाना है। क्योंकि जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो खाली भारत को आज़ाद करने का नहीं था, वो दुनिया के गरीबों को एक नया रास्ता देने का था, दुनिया की सभ्यता को एक ही रास्ता है बचने का। आज आस्ते आस्ते से दुनिया पहचान रही है कि खाली गांधी जी और पंडित जी के रास्ते से मानवता बच सकती है। गांधी जी ने और पंडित जी ने पहली बार दुनिया के सामने नए तरह के विचारधाराएं रखी। पहली बार उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े शक्तियों को समझाया और बताया कि गुटबाजी से दुनिया नहीं आगे बढ़ सकती है, मानवता नहीं बच सकती है। उन्होंने बताया कि एक नई दृष्टि से दुनिया को देखना है, अहिंसा की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से, सहनशीलता की दृष्टि से, लेकिन सबसे जरूरी मानवता को एक देखते। यही ताकत थी हमारी और इसी रास्ते पर भारत मजबूत हुआ है। लेकिन इस रास्ते पर तरह तरह की ताकतों का सामना करना पड़ा है, मुकाबला करना पड़ा है, तरह तरह का संघर्ष आया है। मौके मौके पर रूढ़िवादी शक्तियों का मुकाबला किया है, आज भी वो मुकाबला हमारे सामने है। आज भी रूढ़िवादी शक्तियां खत्म नहीं हुई हैं। हम देख रहे हैं कैसे महिलाओं के हक लेने के लिए रूढ़िवादी शक्तियां अपने हाथ उठा रही हैं। आज हम देख रहे हैं कैसे यही ऐसी ही रूढ़िवादी शक्तियां बजाय देश बनाने में, बजाय जनता के काम में लगने में, बजाय विकास के काम में लगने के, बजाय भारत को मजबूत करने में, बजाय भारत की एकता और अखंडता को बचाने में, ये रूढ़िवादी शक्तियां लगी हैं नाच गाने में। ऐसे भारत नहीं बन सकता है, ऐसे हम राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देश को कमजोर करने वाली, देश को तोड़ने वाली शक्तियां आज भी ऊपर उठ रही हैं। बहुत दुख की बात है, मैंने कहा था कि अगर गांधी जी और पंडित जी और इंदिरा जी आज होते तो वो भारत का विकास देख के खुश होते, उनके दिल में गौरव भर जाता। लेकिन कुछ हमारी कमजोरियां देखकर उनके दिल में दुख भी भर जाता। अगर वो देखते कि आज भी ऐसी रूढ़िवादी शक्तियां जिंदा हैं, अगर वो देखते कि आज भी देशद्रोही खुले में घूम सकते हैं, हमारे संसद में भी हो सकते हैं, अगर वो देखते कि देशद्रोही इंदिरा जी के हथियारों को भी सहारा दे सकते हैं, हथियारों के गढ़ में जाके सरोपे ले सकते हैं, अगर वो देखते कैसे आज भी हमारे बीच के कोई लोग ऐसे प्रस्तावों का सहारा देते हैं जो भारत को कमजोर करते हैं, ऐसे प्रस्ताव जो भारत को तोड़ देंगे, तो उनके दिल में बहुत दुख आता। अगर गांधी जी और पंडित जी और इंदिरा जी आज देख सकते कैसे सांप्रदायिकता की शक्तियां ऊपर उठ रही हैं, अगर वो देखते कैसे सांप्रदायिकता के बल पर राजनीति भी चलने लग रही है, लेकिन शायद सबसे बड़ा दुख उन्हें होता जब वो देखते
कि जो सबसे बड़ी बात गांधी जी ने हमें सिखाई थी उससे छोड़कर लोग आज हमारी राजनीति चला रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे राजनीति में जो सिद्धांतों को छोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है, क्योंकि जिस दिन भारत सिद्धांत के रास्ते से उतरा था उस दिन से हम गुलाम होने लग गए थे और उसी रास्ते पर हम गुलाम हुए थे। आज भी वैसी ही कमजोरी होगी, खाली सिद्धांत के रास्ते पर चलकर हमारी ताकत बनी थी, लेकिन आज दुख है कि भारत की राजनीति में मौके का फायदा, समझौते की बात होती है, सिद्धांत के बारे में बहुत कम लोग बात करने को तैयार हैं। हमें याद रखना चाहिए, इसी तरह से सिद्धांतों को छोड़कर जब देशद्रोही शक्तियां, सेसेशनिस्ट ताकतें और सांप्रदायिक ताकतें एक हुई थी, तब भारत का बंटवारा हुआ था, तब भारत टूटा था। हमें याद रखना चाहिए कैसे हुआ था, और आज हमारी पूरी ताकत लग जानी चाहिए देखने के लिए कि ये देशद्रोही ताकतें, ये रूढ़िवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, ये जातिवाद की ताकतें, ये सांप्रदायिक और फिरकाप्रस्ती की ताकतें समझौता ना कर पाए, क्योंकि इनके समझौते पर भारत का बंटवारा है। भारत की जनता को ये याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर भारत की जनता इन ताकतों को एक होने देगी, इनको मजबूत होने देगी, तो भारत टूट जाएगा, भारत की आज़ादी खो जाएगी, भारत गुलाम हो जाएगा, भारत गिर जाएगा, सालों का सदियों का संघर्ष खत्म हो जाएगा मौके के समझौते के लिए। हम देखेंगे कि ये ताकतें एक ना हो पाए, हम लड़ेंगे इन ताकतों को खत्म करने के लिए, और हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं जब तक ये ताकतें बिल्कुल खत्म हो जाएं, भारत की धरती से निकल जाएं, भारत में दिखलाई ना दें। चाहे कैसा भी मुकाबला करना हो, चाहे कैसे भी संघर्ष की ज़रूरत हो, कैसी भी कुर्बानी की ज़रूरत हो, कोई भी कुर्बानी कम नहीं होगी भारत को ऐसी शक्तियों से बचाने के लिए। अगर हम ये पिछले 4-5 साल को देखें तो भारत में इन सालों में बहुत तरक्की हुई है, भारत बहुत आगे बढ़ा है। चाहे हम भारत की एकता और अखंडता की तरफ देखें, जो अंधेरा 84 के अक्टूबर नवंबर में दिखाई दे रहा था वो अंधेरा हट गया, आज विकास का उजाला दिखाई दे रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीच में हमें एक बहुत भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी भारत की कृषि बहुत तेजी से आगे बढ़ी, भारत के किसान बहुत डट कर जम कर लगे सूखे का किसान के साथ लड़े, भारत को सूखे से निकाला। साथ में भारत के मजदूरों ने भारत के उद्योगों को आगे बढ़ाया, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी है कि जो नया जोर हमने इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम को दिया और जो नया पंडित जी के शताब्दी साल में हमने जवाहर रोजगार योजना बनाई भारत में गरीबी हटाने के लिए, भारत के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, भारत के कमज़ोर वर्गों को मजबूत करने के लिए, उससे फ़र्क पड़ा है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के सब लोगों को, क्योंकि ये हो नहीं सकता था अगर भारत के लोग ये काम नहीं करते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के किसानों को, जिन्होंने हमें
अनाज में, हमारे पेट भरने में आत्मनिर्भर किया। हम भारत के मजदूरों को, भारत के खेत मजदूरों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनके बल पर, उनके पसीनों पर भारत का उद्योगीकरण हुआ है। भारत एक नई शक्ति बना है दुनिया में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के जवानों को, जिन्होंने बहुत कुर्बानी से, बहुत संघर्ष से भारत की एकता और अखंडता बचाने में, हमारे रीजन में शांति रखने के लिए इन सालों में काम किया है। चाहे हमारे सीमाओं पर हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हो, बर्फीले पहाड़ों पर हो, चाहे समुद्र पर हो, नवसैनिक हो, चाहे मालदीव में हो, एक हमारे दोस्त पड़ोस के देश को मदद करने में, चाहे श्रीलंका में हो, तमिल की रक्षा करने में, सुरक्षा देने में, भारत के जवानों ने, भारत के फौजी अफसरों ने भारत की शान बढ़ाई है, भारत को मजबूत रखा है। इसी तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने नए नए रास्ते दिखाकर, भारत को विज्ञान के फ्रंटियर पर पहुंचाकर हमारी एक नई शक्ति बनाई है। चाहे पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हो, चाहे अग्नि मिसाइल का टेस्ट हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो जिससे किसानों को मदद होती है, चाहे नई दवाइयां हो, अलग अलग फील्ड में, विज्ञान की फील्ड में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने नए रास्ते बनाए हैं गरीबी हटाने के लिए, बेकारी हटाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि बगैर इस चुस्त एडमिनिस्ट्रेशन के कमियां जरूर हैं, कमजोरियां जरूर हैं, लेकिन ताकतें भी बहुत हैं। बगैर इस ताकत के भारत इतना मजबूत नहीं हो सकता, भारत इस विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता, भारत में ये शांति नहीं हो सकती थी, भारत में ये स्टेबिलिटी नहीं हो सकती थी, भारत की एकता और अखंडता इतनी मजबूत नहीं होती, और भारत दुनिया में इस तरह से अपनी जगह नहीं बना पाता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों और बहनों को, क्योंकि उन्होंने भारत के औद्योगिकरण में बहुत तेजी करी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि उन्होंने भारत के विकास में अपना पूरा जोर लगाया है। लेकिन मैं एक खास धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की महिलाओं को, क्योंकि इन पिछले सालों में भारत की महिलाओं ने एक नई शक्ति बनाकर, भारत की एक नई शक्ति बनाई है, वो एक नए रास्ते पर चले हैं, रूढ़िवाद को उखाड़ने के लिए, रूढ़िवाद को खत्म करने के लिए। मैं एक खास शाबाशी देना चाहता हूं भारत के युवकों को। पहली बार युवकों को मौका मिला है भारत के राजनीति में जुड़कर चलने का, और हमारा पूरा भरोसा है भारत के युवकों पर, क्योंकि भारत के युवकों ने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भारत के युवकों ने ही हमारे सीमाओं पर भारत को बचा के रखा। आज भी इसी तरह से हम भारत के युवकों पर पूरा भरोसा करते हैं कि वो भारत के धरती से रूढ़िवाद को, सामंतवाद को, जातिवाद को, सांप्रदायिकता को उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, भारत को पूरी तरह से आज़ाद करेंगे। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं
भारत के अल्पसंख्यकों को जिन्होंने भारत बनाने में अपना हाथ जोड़ा है, भारत को मजबूत किया है, भारत को विकास और तरक्की के रास्ते पर चलाया है। मैं एक खास धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के हरिजनों को, आदिवासियों को, क्योंकि बगैर उनके आगे बढ़े भारत आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि वो आगे बढ़ पाए हैं तो भारत आगे बढ़ पाया है। अगर ये सब भारत के लोग जुट कर नहीं लगते, अगर ये जुट कर भारत को मजबूत करने में, ताकतवर करने में नहीं लगते, तो भारत आज आज़ाद नहीं होता, उस अंधेरे समय से निकलता नहीं। आपके काम से आज भारत गौरव के साथ दुनिया में खड़ा है, गौरव के साथ हमने अपनी जगह बनाई है, गौरव के साथ हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत को पीछे कोई रख नहीं सकता है। अब भारत आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर, शक्ति के रास्ते पर। इन सालों में बहुत हुआ है, लेकिन बहुत और करने की जरूरत है। कमियां भी रह गईं। गांधी जी ने गांव स्वराज की बात करी थी, पंडित जी ने पंचायती राज को चलाने की कोशिश करी। आज पहली बार दो बिल को लोकसभा में पास करके हम भारत की जनता के हाथ में ताकत दे रहे हैं। पहली बार असलियत में स्वराज हो रहा है, अपना राज हो रहा है, आपका राज हो रहा है। तब भी हम देख रहे हैं कि भारत की जनता को मजबूत करने में भी विरोधी ताकतें हमारा सामना कर रही हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि भारत की जनता के हाथ मजबूत हों, वो ये नहीं देखना चाहते कि भारत के लोग अपना विकास का रास्ता बनाएं। जो बीच में दलाली आ गई थी, जो सत्ता के दलाल खड़े हो गए थे, जो समायदार शक्तियां खड़ी हुई थीं, जो रूढ़िवादी शक्तियां थीं, जो सामंतवादी शक्तियां थीं, आज वो सब एक हो रहे हैं। भारत की जनता की शक्ति भारत की जनता के हाथ में पहुंचने से रोकने के लिए। और आज दुख की बात है कि उनके साथ देशद्रोही भी जुट गए हैं, उनके साथ सांप्रदायिक शक्तियां भी जुट गई हैं। इनका सामना करना है, इनका मुकाबला करना है, क्योंकि खाली इस चुनौती को पूरे करके हम भारत के जनता को मजबूत कर पाएंगे, खाली इस संघर्ष को पार करके हम सामाजिक न्याय दे पाएंगे हमारे लोगों को, खाली इनका मुकाबला करके हम भारत के कमजोर लोगों को मजबूत कर पाएंगे, ऊपर उठा पाएंगे। पहली बार हम भारत के कमजोर वर्गों को खास शक्ति दे रहे हैं राजनीति में, हमारे लोकतंत्र में। महिलाओं को खास शक्ति मिल रही है, हरिजनों को, आदिवासियों को खास शक्ति मिल रही है। और हमने खास कदम उठाए हैं देखने के लिए कि क्रिमिनल और बदमाश हमारे लोकतंत्र में घुस न पाए। पहली बार इतने सख्त कदम उठाए गए हैं इन्हें लोकतंत्र से बाहर रखने के लिए, राजनीति से बाहर फेंकने के लिए। हम ये काम पूरा करेंगे चाहे कैसा भी की चुनौती हमारे सामने आए। इसके बाद कम से कम दो और बड़े काम करने हैं, वो आते हुए सालों के लिए रखे हैं हमने। पहले तो न्याय की बात है। भारत में बहुत हुआ, लेकिन हम सच्चाई से, अपने दिल से ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर, देहात के स्तर पर न्याय मिलता है। क्योंकि न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है, न्याय मिलने में इतना खर्चा हो जाता है कि मैं नहीं सोचता हूं कि हम कह सकते हैं कि न्याय मिल रहा है।
आते हुए सालों में हमें देखना है कि ये न्याय मिले। जिस तरह से राजनीति को मजबूत करने के लिए, विकास तेजी से लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को हम मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से हम नगर पालिकाओं को मजबूत कर रहे हैं जिसमें भारत के शहरों में विकास पहुंचे, कुछ साधन आए, उसी तरह से हम देखेंगे कि न्याय भी पहुंचे। अगर ढांचा बदलना होगा तो हम ढांचे को बदलने को तैयार हैं, लेकिन भारत की आम जनता को अन्याय देने को तैयार नहीं है। एक ऐसा मौका हमारे सामने आज है जिससे हम भारत को दुनिया में एक नई तरह से खड़ा कर सकते हैं। आज मौका है कि हम भारत को वैसा ही महान भारत बनाएं जैसा भारत था गुलामी के पहले। गुलामी के पहले दुनिया के कोने कोने से भारत की खोज में लोग आते थे, भारत की धन ढूंढने के लिए, भारत की दौलत लेने के लिए, भारत का विज्ञान और ज्ञान पाने के लिए। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी में भारत कमजोर हुआ, भारत नीचे गिरा, भारत गरीब हुआ, भारत कमजोर हुआ। आज पहली बार मौका है कि हम भारत को दोबारा उसी जगह वापस पहुंचाएं। भारत में से गरीबी हटानी है, भारत में से अन्याय हटाना है, भारत को आत्मनिर्भर करना है, हमें भारत को एक महान शक्ति बनाकर दुनिया में खड़ा करना है। लेकिन आज की महान शक्तियों जैसे नहीं जो दूसरों को दबा के ऊंचे ऊपर उठती हैं। भारत गांधी जी के, पंडित जी के, इंदिरा जी के सिद्धांतों के रास्ते पर किसी को दबाएगा नहीं। भारत दुनिया में गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, भारत दुनिया में एक नई भावना लाएगा जिससे ये गुटबाजी खत्म होगी, जिससे मानवता ऊपर उठ पाएगी, जिससे सभ्यता बच पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। आज ये भारत हम बना सकते हैं। आज मौका है भारत को महान बनाने का। आज मैं चाहूँगा कि आप और हम सब ये संकल्प करें भारत को महान बनाने का, भारत को मजबूत बनाने का, भारत को आगे ले जाने का। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरी पूरी उम्मीद है कि आज के शुभ दिन पर, स्वतंत्रता दिवस पर, हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखकर ये संकल्प लेगा भारत को महान बनाने का, भारत को ऊपर उठाने का। धन्यवाद। जय हिंद। जरा जोर से तो बोलिए मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।